दिन दहाड़े दो बदमाशों ने छात्रा सहित एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया, जिन्हें गंभीर हालत में छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। छतरपुर के हकना गांव में दक्षिणा यादव नाम की छात्रा अपने दोस्त रईस यादव के साथ खड़ी थी, तभी गांव के ही नरेश और प्रमोद ने आकर उनके साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया और उनको गोली मार दी। ये गोली सीधे छात्रा के पेट में जाकर लगी, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गई। नाक में गोली के छर्रे लगने से रईस बेहोश हो गया। दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी सांगी ने बताया कि पुरानी रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। लगभग 11:30-12 बजे एक फायरिंग की घटना हुई है, जो कि थाना ओरछा रोड अंतर्गत आता है। इसमें आरोपी ने जो फायर किया था, ये दो लोगों को लगा, एक की नाक छूते हुए और एक बच्ची जो कि स्कूल से तभी आई थी, उसके पेट में जाके गोली लगी। दक्षिणा यादव करके ये बच्ची कक्षा 8 की स्टूडेंट है, और अभी डॉक्टर ने बताया है कि जिस व्यक्ति के गोली लगी वो बिल्कुल ठीक है और जो बच्ची है वो भी स्टेबल है, और हमारी टीम गई हुई है। यद्यपि जिसको चोट लगी है वो तो इस बारे में कुछ नहीं बता रहा है, किंतु जो जानकारी अभी मिली है कि कुछ पुरानी रंजिश थी, इसमें अभी प्रकरण पंजीबद्ध करके और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, और घटना के क्या कारण है वो शीघ्र ही सामने आएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।